6 in previous classes we have studied about vitamins and minerals and I've told you that we are discuss about minerals and where we got from the food which minerals we got in the next class. Today we are going to start about calcium and phosphorus. What we are going to study? Calcium and phosphorus. It is a mineral. This type of mineral. Calcium is needed for making bones and teeth. Calcium is needed by our body to make bone and teeth strong. Calcium also helps in the proper functioning of heart and other muscles as well as for clotting of the blood. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स कभी कभी आप देखते हो कहीं आपकी उंगली दब जाती है या कोई भी पार्ट स्किन का दब जाए तो देखते हो ब्लैक सा हो जाता है बिल्कुल. दैट इज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. अंडरस्टूड? वो क्या होता है, वहाँ उतनी दूर क्या होता है, खून जम जाता है आपका, उसको क्या कहते हैं, क्लॉटिंग. अंडरस्टूड? चिल्ड्रेन नीड मोर कैल्शियम देन एडल्ट एज कंपेरिजन टू एडल्ट टू देयर बॉडी वेट बिकॉज दे grow fast and their bones and teeth are to be made largely from calcium salt. Means जो growing age के बच्चे हों उनको adult से ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनकी growth age होती है to make their bone and muscles made and largely from the calcium salt. Some food which are good source of calcium are अब source of food जिनमें सबसे ज़्यादा में calcium मिलते हैं that are milk, cheese, egg, ग्रीन लीफी वेजिटेबल. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मीन्स हरे पत्तेदार वाली सब्जी लाइक कैबेज, स्पैनिश. दीज आर द रिच ऑफ कैल्शियम. एंड फिश. वीट एंड राइस कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम. वीट और राइस उनमें भी होता है बट दे आर प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट. लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. कैल्शियम की तरफ फॉस्फोरस भी चाहिए. सम ऑफ द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस आर इन आर फूड आर. अब फॉस्फोरस हमें किससे किससे मिलता है? मिल्क, पर्ल मिलेट मीन्स बाजरा, बनाना, पल्स, पल्सेस मीन्स दाल एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल. मिल्क इज वन फूड आइटम विच कंटेन बोथ. मिल्क एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिनरल्स हमें मिल जाते हैं इन अ गुड अमाउंट. सो वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली टू गेट स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ. सो प्रोबेबली वी शुड ट्राई टू ड्रिंक मिल्क डेली टू गेट आर बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्गर. अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आयोडीन. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? आयोडीन. देयर इज अ थायरॉयड ग्लैंड सिचुएटेड इन आवर नेक और इन द नेक ऑफ आर बॉडी. माई बॉडी में नेक में एक ग्लैंड होता है दैट इज थायरॉयड ग्लैंड. वॉट इट इज थायरॉयड ग्लैंड. इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ आर बॉडी. विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. आयोडीन उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट आवर थायरॉयड ग्लैंड वर्क्स प्रॉपरली इन द बॉडी. विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. आयोडीन हेल्प थायरॉयड ग्लैंड टू मेक अ हारमोन्स. थायरॉयड ग्लैंड को आयोडीन की हेल्प करता है हारमोन्स बनाने के लिए. ठीक है, आयोडीन हेल्प करता है थायरॉयड ग्लैंड को टू मेक अ हारमोन विच कंट्रोल द ग्रोथ. हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है. द वेरियस सोर्सेज ऑफ आयोडीन इन आर फूड. व्हाट द सोर्सेज ऑफ आयोडीन इन आर फूड आर? सीफूड. सीफूड मीन्स लाइक फिश, क्रैब. दीज आर सी फूड. जो भी सी से हमें मिले दैट आर नोन एज सी फूड. सी फूड लाइक सी फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड आयोडाइज सॉल्ट. द कॉमन सॉल्ट विच कंटेन एडुकेट अमाउंट मीन्स प्रॉपर अमाउंट. अमाउंट ऑफ आयोडीन सॉल्ट इज नोन एज आयोडाइज सॉल्ट. आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट जो आप लोग नमक खाते हो, देखिए उसमें लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट, जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होता है. आयोडीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. हिली एरिया को छोड़ के, जो भी हिली एरिया जहाँ माउंटेन रेंजेस हैं उनको छोड़ के, जहाँ भी वाटर सप्लाई मतलब होता है ऑलमोस्ट कुछ पार्ट ऑफ आयोडीन उसमें प्रेजेंट होते हैं. Now our next topic is iron. What our next topic is? Iron. Iron is needed to make hemoglobin present in red blood cell. आप सबको पता था, मैंने क्लास 5th में बताया था that red blood cell, white blood cell दो तरह के सेल होते हैं हमारे ब्लड में. तो हीमोग्लोबिन बनाता है रेड ब्लड सेल्स में.
आयरन का काम क्या होता है, आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी। आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लंग्स से अदर पार्ट में सप्लाई करना, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होते हैं और रेड ब्लड सेल्स का वर्क होता है टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दस आयरन इज द मोस्ट आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इसलिए हीमोग्लोबिन में आयरन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर ब्लड। प्लीज नोट दैट आयरन इज यूज बाय आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ आयरन सॉल्ट ऑल्सो एंड इन द फॉर्म ऑफ आयरन सॉल्ट एंड नॉट एन आयरन एलिमेंट। आयरन सॉल्ट के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, नॉट एन आयरन एलिमेंट, लोहा नहीं होता एक्चुअली, जिसे आप सब जानते हो कि आयरन मीन्स लोहा, नहीं वो आयरन एलिमेंट होता है, जो लोहा होता है वो एलिमेंट होता है, बट हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहता है, आयरन सॉल्ट। सम ऑफ द सोर्स ऑफ आयरन इन आर फूड, अब आयरन हमें किससे मिलता है, स्पैनिश मीन्स पालक एंड अदर ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, इन सब से मिलता है, ग्रीन लीवी वेजिटेबल, एप्पल, एग, एप्पल में बहुत आयरन होते हैं, एप्पल, एग, लीवर, सीरियल्स लाइक बाजरा, पल्सेस, ऑल द पल्सेस लाइक पल्सेस मीन्स दाल एंड ग्राउंडनट, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली। ना नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। अब तक तो हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स में हमने पढ़ा कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड आयरन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर, अंडरस्टूड। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ बट नॉट अ फूड वैल्यू इन आवर बॉडी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लेसन में बताया था कि वाटर माई बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है बट इट इज़ नॉट अ फूड, इट डज नॉट हैव अ फूड वैल्यू इन आवर बॉडी। अ पर्सन कैन लीव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक बट वुड डाई इन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। हर इंसान कुछ दिन बिना खाना के रह सकता है, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, बट विदाउट वाटर ही कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक भी जिंदा नहीं रह सकता बिना पानी के। वाटर प्रोवाइड अ लिक्विड इन विच अदर सब्सटेंस कैन डिजॉल्व एंड मूव विद इन द बॉडी और एलिमिनेटिंग फॉर्म द बॉडी। वाटर क्या करता है, कुछ मिनरल्स या लिक्विड मिनरल्स को क्या करता है, डिजॉल्व करता है, हमारे बॉडी में हर जगह सप्लाई करता है, डिजॉल्व एंड मूव विद इन आवर बॉडी। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी, कैसे, किस लिए हमें चाहिए हमारे बॉडी को वाटर, उसका किस लिए चाहिए वाटर, ठीक है प्रेजेंट होता है और वाटर हम पी रहे हैं, उससे होता है क्या है वाटर से। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाई वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। फर्स्ट, टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू ब्लड बॉडी सेल। क्या करता है वाटर का फंक्शन, जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, पच जाता है, उनको क्या करता है बॉडी सेल तक पहुंचाता है। टू ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज हारमोन्स अराउंड द बॉडी, वाटर के हेल्प से हारमोन्स ट्रेवल करता है हमारी बॉडी में। टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आउट द बॉडी, और हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड इट कंट्रोल एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर्स। वाटर डिजॉल्व द डाइजेस्टिव फूड विच पासिस इन टू द ब्लड। वाटर क्या करता है, डाइजेस्टिव फूड को डिजॉल्व करता है और ब्लड में पास करता है। ब्लड ब्लड इज मोस्टली वाटर, हमारे ब्लड मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है। वाटर प्रेजेंट इन ब्लड transport the digestive food to carry sorry transport the digestive food to each and every cell in the part of our body. water present in the blood cell, जो भी blood में water present होता है वो हमारे digestive food के साथ every cell हमारे body के हर part के cell में transport होता है। the water in blood ऑल्सो कैरी केमिकल लाइक हारमोन्स अराउंड द बॉडी, और वाटर क्या करता है ब्लड में, द वाटर इन ब्लड ऑल्सो कैरी केमिकल्स और हारमोन्स को क्या करता है हमारी बॉडी पार्ट्स अराउंड आवर बॉडी, इट्स ट्रांसपोर्टेड। वाटर ऑल्सो डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी सो दे कैन बी रिमूव थ्रू द यूरिन एंड स्वेट, और वाटर हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करता है, डिजॉल्व करता है, जिसके उसके हेल्प से क्या होगा, जब हमारे बॉडी में वाटर से डिजॉल्व हो गया वेस्ट प्रोडक्ट, तो स्वेट मतलब जो आपको गर्मी में पसीना निकलता है, स्वेट मींस पसीना,
स्वेटिंग के हेल्प से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होते हैं और बाय द हेल्प ऑफ यूरिन, अंडरस्टूड, बाय द हेल्प ऑफ यूरिन एंड बाय द हेल्प ऑफ स्वेट आवर बॉडी वेस्ट विच इज़ डिजॉल्व इन द वाटर कम्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी. Now water control and regulates the temperature of our body by the process of sweating and evaporation. Water क्या करता है, हमारे temperature को control करता है, हमारे body temperature को किस process से, sweating से और evaporation से, sweating and evaporation. This happen as follow. कैसे ये होता है, now we will see. This happen as follow. When the outside temperature is high, जब बाहर का temperature बहुत high होता है, water ooze आउट थ्रू द स्किन, वाटर कम आउट, वाटर ऊज मीन्स वाटर ड्रॉप्स हमारे स्किन के बाहर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. किस फॉर्म में, स्वेट में. वेन दिस स्वेट एवोपरेट्स फ्रॉम आवर बॉडी इट्स टेक हीट रिक्वायर फॉर एवोपरेशन. जब हमारी बॉडी पर स्वेटिंग होती है तो एवोपरेट होता है और एवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, जो कि हमें एवोपरेशन, इट टेक हीट रिक्वायर फॉर एवोपरेशन फ्रॉम द आवर स्किन. बाय लूजिंग हीट आवर स्किन कूल डाउन अ लिटल बिट. जैसे आपको स्वेटिंग होती है और जब वो एवोपरेट होती है तो हमारी स्किन क्या होती है, कूल होती है, क्या होती है, कूल होने लगती है. एंड वी फील, जैसे ही कूल होती है हमारी स्किन एंड टेम्परेचर क्या होता है, हल्का सा डाउन फील होता है एंड वी फील कूल एंड कम्फर्टेबल. आवर बॉडी नीड्स अबाउट 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे. हमारी बॉडी को पर डे कितना वाटर चाहिए, 2 to 3 liters. As we all know, our body needs 2 to 3 liters of water every day. हम लोग को पर डे कितना पानी पीना चाहिए, कम से कम 2 to 3 liters. We get most of water that our body needs by drinking water. मतलब मोस्टली हमारे बॉडी को पानी किससे मिलता है, जो हम पानी पीते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिससे हमें वाटर मिलता है, दैट आर मिल्क, दूध में भी हल्का हल्का पानी होता है, टी, चाय बनती है तो पानी डलता है, कॉफ़ी एंड जूस एक्सेट्रा, दीज फ्रॉम दीज ऑल्सो वी गॉट वाटर. मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर. कई ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है. द फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल्सो प्रोवाइड लॉट्स ऑफ वाटर. कुछ फ्रूट और वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत पानी होता है. फॉर एग्जाम्पल टमाटो, मेलन्स, इस समय सीजन है मेलन्स का, वाटर मेलन लाइक, इट्स हैव 70% ऑफ वाटर. सो वी मस्ट ईट अ सीजनेबल फ्रूट दैट कंटेन वाटर इन समर सीजन ऑलमोस्ट. टमाटो, मेलन्स, कैबेज एंड ल्यूक्टस कंटेन लॉट्स ऑफ वाटर. ल्यूक्टस इज अ टाइप ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, कंटेन अ लॉट्स ऑफ वाटर. वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स लाइक दिस, वाटर ऑल्सो गोज टू इन आर बॉडी. तो कुछ फूड आइटम होते हैं जिनको बनाते समय भी हम वाटर डालते हैं. वेन वी प्रिपेयर दाल, जब दाल बनती है तो भी आपको पता है कि उसमें पानी डलता है. आपका राइस कुक होता है उसमें भी डलता है, वेजिटेबल्स कुक होते हैं उसमें भी डलता है, आपका फ्लोर जब रोटी बनने के लिए बनता है उसमें भी वाटर, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डल रहा है, वो भी हमारी बॉडी में जा रहा है. बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्कस रफेज, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रफेज. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, क्लास 6. Remember, we have to discuss about the roughage. Water we have studied. Now we have to go through the roughage that we will discuss in the next class. Have a good revision till to here. Good day. Bye-bye, class 6.